हेलो एंड वेलकम टू जेडी स्टडी। स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा मैग्नेटिक मटेरियल कवर अप किया था। आज हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स कवर अप करेंगे कि मशीन की डिजाइन में कौन इंसुलेशन जो हम लोग करते हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल्स आप यूज करते हैं। तो आज हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स को कवर अप करेंगे। तो सिंपल है, आज का एजेंडा हमारा क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल को कवर अप करना। ओके, सो आप सब लोग को स्वागत है इस चैनल पे। किसी को अगर पुराना वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंसुलेटिंग मटेरियल्स के साथ। सो इंसुलेटिंग मटेरियल्स या फिर आप कह सकते हैं कि इंसुलेशन इंसुलेशन या फिर आप कह सकते हैं इंसुलेंट, ये क्या है ओरिजिनल और इसकी प्रॉपर्टी और जो इसका ओरिजिन है ये थोड़ा डाइवर्स है, एक्सट्रीमली डाइवर्स हम लोग इसे कह सकते हैं। तो जैसे मतलब एसेंशियली इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं वो आपके नॉन मेटेलिक, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, यूनिफॉर्म या फिर हेट्रोजीनियस हो सकते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर, नेचुरली भी अवेलेबल होते हैं और सिंथेटिक भी, यानी हम लोग बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स ओके, तो इंसुलेटर ये इसका जो ओरिजिन है या फिर जो प्रॉपर्टी है, ओरिजिन बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज बोलो आप इसकी, ये एक्सट्रीमली डाइवर्सिबल है। ओरिजिन या एंड प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी एक्सट्रीमली डाइवर्सिबल है। ओके, और कौन कौन से टाइप के अवेलेबल हो सकते हैं टाइप्स, अगर हम लोग मतलब जनरली बात करें तो जनरली हमारा नॉन मेटालिक होता है। नॉन मेटालिक होगा इसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इसके अलावा आप लोग और भी यूनिफॉर्म और इसको आप हेट्रोजीनियस बराबर, ये है इसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इसके पार्ट, नेचुरल और सिंथेटिक ये एक पार्ट और रह गया, नेचुरल और सिंथेटिक। ओके, तो नेचुरल ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर इसको हम लोग क्लासिफाई करें इंसुलेटिंग मटेरियल को, तो नेचर के अकॉर्डिंग यानी नेचुरल ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, नेचुरल रेजिन हो गया, ये सारी क्या है आपकी नेचुरल ओरिजिन की है और इसका वाइडली यूज होता है एज अ इनऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे। जैसे हम लोग ग्लास है, फिर आपका सेरामिक्स है, माइका है, इन सब का भी हम लोग क्या करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं। ये सारे जो मैंने आपको तीन बताया अभी, ग्लास है, सिरामिक है, माइका है, ये आपके इनऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। और कितने इंसुलेटिंग मटेरियल्स आपके मैनमेड भी होते हैं, जैसे आपका रेजिन हो गया, इंसुलेटिंग फिल्म हो गई, ये सब क्या है मैनमेड है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अगर नेचुरल ओरिजिन की बात करें, नेचुरल ओरिजिन की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल आपका पेपर हो गया, क्लोथ हो गया, ठीक है, पैराफिन वैक्स हो गया और नेचुरल रेजिन हो गया। ये तो भी ओरिजिन नेचुरल ओरिजिन की। अगर हम लोग मैन मेड की बात करें या फिर इनऑर्गेनिक की बात करें, सबसे पहले इनऑर्गेनिक के अगर एग्जांपल देखें, इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स क्या है, तो इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स में आपका ग्लास आ सकता है, सेरामिक्स आ सकता है और
माइका भी आ सकता है, ठीक है। और अगर मैन मेड की बात करें, मैन मेड इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं रेजिन्स जो हमने बनाई है, ठीक है। मतलब नेचुरल रेजिन में से हमने अलग टाइप की रेजिन बनाई है, तो वो आपका मैनमेड हो गया। फिर इंसुलेटिंग फिल्म्स, ये जो है ये सब सारी मैनमेड होती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि इन और जनरली क्या होता है कि आपका, हम लोग क्या करते हैं जनरली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच का कॉम्पोजिशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल बनाते हैं। तो जैसे ये जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच के जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो कौन कौन से हैं आपके, सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड जिसको हम लोग सिलिकॉन कहते हैं, तो ये सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक। ये तो बात हो गई हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल की। अब उसके कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, तो कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं उसकी, कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो मैं टॉप इधर आपको टाइटल दे देता हूँ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ओके, तो ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इंसुलेटिंग मटेरियल में होनी चाहिए, लेकिन मेनली हम लोग क्या क्या होता है, आपको अगर बात करें तो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ हो गई, या फिर आप कह सकते हैं उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, फिर एक कह सकते हैं आप डाइलेक्ट्रिक हिस्टेरेसिस, या फिर उसका कह सकते हैं परमिटिविटी, ये सब क्या है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इंसुलेटिंग मटेरियल्स की। ये इतनी इंसुलेटिंग मटेरियल में इतनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होना जरूरी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, जैसे आमतौर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी, या फिर आप कह सकते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं उसे, ओके। फिर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है उसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या फिर आप इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कह सकते हैं, परमिटिविटी, और डाइलेक्ट्रिक हिस्टेरेसिस। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब कितना रजिस्ट करती है, ठीक है, उसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, तो हिस्टेरेसिस, ओके। ये हम लोग क्या करते हैं जनरली, ये जो सारी, ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ये जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब जनरली इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब एक अगर हम लोग आइडियल इंसुलेटर की बात करें, तो आइडियल इंसुलेटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो आइडियल इंसुलेटर में, एन आइडियल इंसुलेटर, हैज, अगर आप एसेंशियल लिखा, एन आइडियल इंसुलेटर शुड हैव, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबसे पहली हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ओके। फिर सेकंड है उसकी हाई रेजिस्टिविटी, तीसरी है उसकी, तीसरी क्या है उसकी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, और चौथी है उसकी हाई डिग्री ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी।
मतलब देखिए, एक एक अगर पॉइंट को समझते हैं हम लोग, एक एक पॉइंट को अगर समझे तो इसमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है, मतलब जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसका करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो न होने देना, मतलब बीच में रेजिस्टेंस होना, बीच में रेजिस्टेंस पैदा करना, ये क्या है आपका, एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, तो ये एक आइडियल इंसुलेटर में होना जरूरी है। हाई रेजिस्टिविटी सेम चीज है, जो हाई डाइलेक्ट्रिक है स्ट्रेंथ है वही सेम आपका हाई रेजिस्टिविटी भी होती है। ओके, देन गुड थर्मल कंडक्टिविटी। गुड थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर आपका जो हीट का आदान प्रदान है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो आपका जल्दी ठंडा हो सके। ओके, और हाई डिग्री ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, हाई डिग्री ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मैक्सिमम टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके, मीन्स आपके इंसुलेटिंग मटेरियल को कोई भी डैमेज ना हो। ओके, तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं एक आइडियल इंसुलेटर में होनी चाहिए। इन एडिशन में अगर हम लोग जो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ऊपर, इसमें हम लोग उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को अगर कंसिडर करें मटेरियल की, तो मॉइस्चर को विथस्टैंड करना, उस पर केमिकल अटैक हो रहा है तो उसको विथस्टैंड करना, ठीक है, और हीट और अदर दूसरी कंडीशन है या दूसरी और कोई सर्विसेज है उसको उसको प्रपोज करना, ये सब क्या है, एक तरीके से इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए, उसी को हम लोग गुड इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेरी होती रहती है विथ मैनी फैक्टर्स। तो ये वेरी कौन कौन से फैक्टर के साथ होती है, तो वो फैक्टर कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इधर एक टॉपिक एक स्टार मार्कर कर मैं लिख देता हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, वेरी, ठीक है, वाइडली विथ मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है आपका डिमेंशंस ऑफ टेस्ट पीस। सबसे पहला है आपका डिमेंशन ऑफ टेस्ट पीस। सेकंड है उसका आरएमएस वैल्यू, किसकी, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज। तीसरा उसका फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है उसका टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। ऑफ टेस्ट पीस, ठीक है, और चौथा उसका फैक्टर है मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, ये भी उसका एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वो वेरी होती रहती है। ओके, सबसे पहला है उसका डिमेंशन, सेकंड है उसकी आरएमएस वैल्यू, वेवफॉर्म की वेवफॉर्म या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज। ओके, थर्ड है उसका टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द टेस्ट पीस, और चौथा है उसका कौन सा फैक्टर है, उसका मैकेनिकल प्रेशर। ओके, तो ये कुछ हमारा उसकी इंसुलेटिंग मटेरियल्स की कुछ क्या कह सकते, इसे हम लोग एज अ डिसएडवांटेज कह सकते हैं, मतलब ये कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। ओके, नाउ उसके क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो इंसुलेटिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन आप लोग
सात टाइप में करते हैं, सेवन टाइप्स, ओके। वो कौन कौन से होते हैं और उसे किस प्रकार किया जाता है और हम लोग कौन से क्लास को कहाँ यूज करते हैं, ये भी आज हम लोग इसी लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन भी देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये मेन टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसका जो क्लासिफिकेशन है ये पूरा आज कवर अप हो जाए और पूरा का पूरा आज हम लोग यहाँ पे इसे समझ लें, ओके। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन है फॉर दी इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उसके एपरेटस में, तो इसकी हम लोग उसको कैसे डिवाइड करते हैं, उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसे क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन हर जगह पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सेम होता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड पब्लिकेशन नंबर 1271 जो हमारा 1958 में रिलीज हुआ था वो, ओके। तो इसका हम लोग क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग करते हैं, फॉर दी मशीनरी, फॉर दी इलेक्ट्रिकल मशीनरी मशीन, मशीन ठीक ठीक है, है। एंड एपरेटस। इसका क्लासिफिकेशन इन रिलेशन टू देयर थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब कितने टेम्परेचर तक वो विच उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, कितना कितनी टेम्परेचर तक उसे सहन कर सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और ये कब आया था हमारा, ये आया था हमारा इंडियन स्टैंडर्ड पब्लिकेशन IS नंबर कौन सा, 2071, जो हमारा 1958 में आया था। ये ये हमें हमें ध्यान ध्यान रखना रखना है, है। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये जो पब्लिकेशन था ये क्या कवर अप करता है, ये जो नंबर है इंडियन स्टैंडर्ड पब्लिकेशन नंबर 1271, ये हमारा कवर करता है एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, जो हमारा हमारा जो मटेरियल है उसे चूज करने में, उसे उसे चूज करने में हमें मदद करता है। तो उसके क्लासिफिकेशन किस किस टाइप में किए गए और कौन से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किए गए, ये इसका जो टेबल है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए इसके जो क्लासेस हैं, देखिए एक तरफ मैं आप इसके क्लास लिख रहा हूँ और एक तरफ मैं इसका टेम्परेचर लिख रहा हूँ, ओके, जो जो हमारा हमारा डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड में में होगा, होगा, ओके। तो क्लास वाई जिसे हम लोग अभी फॉर्मरली फॉर्मरली फॉर्मली हम हम इसे ओ क्लास कहते हैं, ओ क्लास, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें कितना है, वो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है ए, ए टाइप का, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा है हमारा ई टाइप का, जिसका क्लासिफिकेशन जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है हमारा, 120 डिग्री, ओके। फिर बी क्लास, इसका है हमारा 130 डिग्री। देन एफ 155 डिग्री। देन एच, इसका है 180 डिग्री। और सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन है इसका सी क्लास, जिसका टेम्परेचर कितना है मैक्सिमम, अबाउट 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको ध्यान रखना है, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए आपके इंसुलेटिंग मटेरियल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप में की जाती है। तो एक एक करके हम लोग क्लास जो ये क्लासिफ हमने जो क्लासिफिकेशन किया, तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में, ओके। तो सबसे पहला है हमारा क्लास वाई,
तो ये जो क्लास वाई है, मतलब तो क्लास वाई के नाम जो हमने क्लासिफिकेशन किया, तो इसमें हम लोग क्या, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल जैसे आपका कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, या फिर पेपर हो गया, विदाउट इम्प्रेगनेशन, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, दिस इंसुलेशन कंसिस्ट ऑफ मटेरियल्स या और कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, कैसे कॉम्बिनेशंस, सच एज कॉटन, सिल्क एंड पेपर विदाउट इम्प्रेगनेशन। ओके, और दूसरे मटेरियल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं ये क्लास के अंदर, अगर हमारा एक्सपीरियंस या फिर जो हमने उस पर अगर कुछ टेस्ट किया हो, वो उसके रिजल्ट सेम एज जो हमने ये कॉटन, सिल्क और पेपर यूज करके हमने जो मटेरियल बनाया है उसके अकॉर्डिंग हो, और जो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज हमने उसमें दिया हुआ है उसको फुलफिल करता हो, तो हम लोग उसको क्लास वाई में रख सकते हैं, ठीक है? अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, पेपर हो गया, सेल्यूलोज हो गया, वुड हो गया, ये सारे जो मटेरियल्स हैं वो हमारे क्लास वाई टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल हैं। ओके, देन दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है हमारा क्लास ए टाइप। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है क्लास ए टाइप का है। ओके, तो क्लास ए का जो इंसुलेशन है आपका वो कंसिस्ट करता है ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल जिसमें हम लोग कॉटन, सिल्क और पेपर यूज तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये इस बार ये जो कॉपर, कॉटन, सिल्क और पेपर हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा इम्प्रेगनेटेड होता है या फिर कोटेड होता है। किसमें कोटेड होता है, एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में, जैसे कोई ऑयल हो गया उसके अंदर हम लोग उसे क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, उसे भिगो देते हैं, देन उसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, एक क्लास ए टाइप का इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, दिस इंसुलेशन मटेरियल, दिस इंसुलेशन कंसिस्ट ऑफ मटेरियल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स जैसे सच एज कॉटन, सिल्क और एंड पेपर विथ, इसमें विदाउट लिखना था आपको, ऊपर वाले में विदाउट आएगा, ठीक है? इसमें आएगा विथ इम्प्रेगनेशन और कोटेड विथ ऑयल, कोटेड विथ ऑयल, ऑयल आपका क्या है, एक तरीके का हाई डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है। ओके, तो ये हम लोग एज ए ऐसे हम लोग क्लास ए के इंसुलेटिंग मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? तो हम लोग इसके अगर एग्जाम्पल्स लिखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लिखते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स क्या लिख सकते हैं, मटेरियल्स ऑफ क्लास वाई, मतलब क्लास वाई के जो मटेरियल्स हैं, जो भी हमने कॉटन, सिल्क, पेपर, सेल्यूलोज, वुड, ये सारे जो मटेरियल्स हैं, इसको हम लोग नेचुरल रेजिन सेल्यूलोज ईस्टर, इसको हम लोग इम्प्रेगनेट करते हैं या फिर हम लोग इससे क्या करते हैं, कोटेड करते हैं, कोटेड विथ, किससे कोटेड कोटेड कर रहे हैं हम लोग,
नेचुरल रेजिन नेचुरल रेजिन, सेल्यूलोस, ईस्टर, इससे हम लोग इसे क्या करते हैं, कोटेड करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, क्लास ए टाइप के मटेरियल्स बनाते हैं। देन थर्ड है हमारा क्लास ई टाइप। थर्ड कौन सा है हमारा, क्लास ई टाइप। क्लास ई टाइप का जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ये ऐसे मटेरियल्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल को कंजिस्ट करता है जो हमारा आफ्टर द टेस्ट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल को हम लोग टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट या फिर उसके एक्सपीरियंस के बाद उसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि ये हमारा जो है ये मटेरियल्स वो हमारा 120 डिग्री टेम्परेचर तक विथस्टैंड कर सकता है। तो ऐसे जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स हैं इसको हम लोग क्लास ई में डालते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, दिस इंसुलेशन कंसिस्ट, ऑफ मटेरियल और कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल विच बाय एक्सपीरियंस और एक्सेप्टेड टेस्ट कैन बी शोन टू बी कैन बी शोन टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे कम, लेस देन, ठीक है, लेस देन 120 डिग्री, ओके। ये हमें ध्यान रखना है, ये क्या है आपके क्लास ई टाइप के आपके इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, ओके। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकता है। तो आपका सिंथेटिक रेजिन इनेमल, सिंथेटिक रेजिन इनेमल, कॉटन आ गया, ओके, पेपर लेमिनेशन आ गया, ये सारे क्या है इसके टाइप हो सकते हैं, ठीक है। ये लेमिनेशन है जो आपका, वो आपका फॉर्मल्डिहाइड बॉन्डिंग के साथ आता है। ये सारे जो है आपके क्लास ई टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। चौथा आपका मटेरियल है क्लास बी टाइप का मटेरियल, ठीक, क्लास बी टाइप का मटेरियल। तो ये जो मटेरियल है ये ऐसे मटेरियल का कॉम्बिनेशन है जैसे हमारा माइका हो गया, ग्लास फाइबर हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, इन सब का मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक सूटेबल बॉन्डिंग उससे सब्सटेंस बनाते हैं और उसको हम लोग एज ए इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग उसे यूज करते हैं, ठीक है। और क्लास बी टाइप के मटेरियल में आपका ऐसा नहीं है कि मतलब आप यही यूज कर सकते हैं, मतलब आपके जो सब्सटेंस है वो आपके इनऑर्गेनिक ही होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऑर्गेनिक मटेरियल को भी क्लास बी तौर पे, इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक मटेरियल है इसे आप लोग कब यूज कर सकते हैं, जब इसके रिजल्ट या फिर जो इस पे टेस्ट किया गया है उसके रिजल्ट, ओके, वो रिजल्ट आपके क्या हो कि जो क्लास बी का टेम्परेचर है, क्लास बी का टेम्परेचर कितना है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड, उतने को विस्टेंड कर सकता हो, तब ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल को हम लोग एज अ क्लास बी इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि दिस इंसुलेशन कंसिस्ट ऑफ मटेरियल सच
सच एज माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टोस, एक्सेट्रा, ठीक है। और बाकी का जो मैंने आपको बताया वो तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, सीधा अब इसके एग्जाम्पल्स पे आ जाता हूँ मैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो ऊपर मैंने आपको तीन तो एग्जाम्पल दिखाए कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माइका हो गया, ग्लास फाइबर हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, ओके, या फिर एस्बेस्टोस लैमिनेशन हो गए, मतलब मैं इधर लैमिनेशन भी लिख देता हूँ। ये सारे जो मटेरियल्स हैं हमारे क्लास बी टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। क्लास बी के बाद है हमारा क्लास एफ। तो क्लास एफ टाइप के मटेरियल की अगर बात करते हैं तो देखिए, पांचवा है हमारा टाइप क्लास एफ, ओके। तो ये क्लास एफ मटेरियल आपका कितने टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है, 155 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये आपके कंजिस्ट करता है मटेरियल्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल जैसे माइका, गारा फाइबर, एस्बेस्टोस विथ सुटेबल बॉन्ड बॉन्डिंग सब्सटेंस एज वेल एज अदर मटेरियल का कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे इनऑर्गेनिक नहीं होगा तो भी चलेगा, जो हमारा एक्सपीरियंस या फिर एक्सेप्टेड टेस्ट है जो हमारे उसकी कैपेबिलिटी बताता है कि ये जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है वो क्लास एफ का जो टेम्परेचर है 155 डिग्री सेंटीग्रेड उसको भी विथस्टैंड कर सकता है। तो ऐसे टाइप के जो मटेरियल्स हैं इसे हम लोग क्लास एफ टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल में कवर अप करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इंसुलेटिंग दिस इंसुलेशन कंसिस्ट ऑफ मटेरियल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स सच एज माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टोस एक्सेट्रा विथ सुटेबल बॉन्डिंग सब्सटेंस एज वेल एज अदर मटेरियल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरीली व्हाट इनऑर्गेनिक विच बाय एक्सपीरियंस और एक्सेप्टेड टेस्ट कैन बी शोन टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेशन एट क्लास एफ टेम्परेचर विच इज वॉट 155 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो ये तो हो गया हमारा क्लास एफ। फिर अगर इसके एग्जाम्पल्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो क्लास बी के जो मटेरियल्स हैं यानी मटेरियल्स ऑफ क्लास बी, मटेरियल्स ऑफ क्लास बी विथ
बॉन्डिंग मटेरियल्स ऑफ हायर थर्मल स्टेबिलिटी, हायर थर्मल स्टेबिलिटी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्लास एफ टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल। नाउ क्लास एफ के बाद है हमारा क्लास एच। तो क्लास एच की अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्लास एच टाइप का जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये हमारा ऐसे मटेरियल को कंसिस्ट करता है जैसे आपका सच एज सिलिकॉन इलास्टोमर, ठीक है। कौन से? सिलिकॉन इलास्टोमर। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका कॉम्बिनेशन हो गया माइका, ग्लास, फाइबर, एस्बेस्टॉस विथ सुटेबल बॉन्डिंग सब्सटेंस। तो इसमें आपका क्या है, विथ ये जो माइका, ग्लास, फाइबर और एस्बेस्टॉस है, इसके साथ आपको क्या करना है, सिलिकॉन रेजिन को मिक्स करना है, ताकि ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी वाला बन सके और अप टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर विथस्टैंड कर सके। ओके, तो ये जो क्लास एच टाइप का मटेरियल है, ये है आपका छठे नंबर का क्लासिफिकेशन, क्लास एच अप टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो इट कंसिस्ट सच एज, कैसे कैसे मटेरियल को कंसिस्ट करता है, जैसे आपका सिलिकॉन, एस्टर, एस्टोमर या फिर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किस किस का, जैसे माइका प्लस सिलिकॉन रेजिन या फिर ग्लास फाइबर प्लस सिलिकॉन रेजिन या फिर एस्बेस्टोस प्लस सिलिकॉन रेजिन, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या है, आपका क्लास एच का टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल बनाता है। ओके, एग्जांपल्स तो यही है सारे, सिलिकॉन एस्टोमर हो गया, माइका प्लस सिलिकॉन रेजिन हो गया, ग्लास फाइबर प्लस सिलिकॉन रेजिन हो गया, एस्बेस्टोस प्लस सिलिकॉन रेजिन हो गया, यही उसका क्या है, एग्जांपल्स भी है। ओके, और लास्ट टाइप का क्लास है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स में, क्लास सी, क्लास सी टाइप, जो अबव 180 डिग्री तक टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, यानी 180 डिग्री से अगर ऊपर हुआ टेम्परेचर तो हम लोग उसमें क्लास सी टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस मटेरियल्स में जैसे आपका माइका हो गया, पोर्सेलिन हो गया, ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज हो गए, इसको विथ या फिर विदाउट इनऑर्गेनिक बाइंडर के साथ हम लोग यूज करके क्लास सी टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल्स बनाते हैं। ओके, तो ये जो टेम्परेचर लिमिट थी क्लास एच की, उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, क्लास सी टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल बनाया। तो ये जो क्लास सी टाइप का मटेरियल है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये आपका क्या है, प्योरली मैन मेड है, ठीक है। ये आपका प्योरली मैन मेड है जो इंसान ने बनाया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इधर लिख देता हूं, इट कंसिस्ट, ये जो कंसिस्ट में है ये आपके एग्जांपल्स भी है, ठीक है। इट कंसिस्ट जैसे आपका माइका हो गया, पोर्सेलिन हो गया, ग्लास हो गया और क्वार्ट्ज हो गए, ये जो माइका, पोर्सिलिन, ग्लास और क्वार्ट्ज हैं, ये तो आपके नेचुरली मिलते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस ये सारी चीज के अलावा इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या चीज, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल। अगर हम लोग इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं तो वो तो हमारा प्योरली नेचुरल हो गया, लेकिन अगर हम इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं जो हमारा मैन मेड होता है, ओके,
तो वैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके हम लोग जो मटेरियल बनाते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा क्या होता है, प्योरली मैन मेड, और उससे उससे हम हम लोग लोग क्लास क्लास सी सी में में रखते रखते हैं। हैं। ठीक है, तो ये थे क्लासिफिकेशन इंसुलेटिंग मटेरियल्स के। ओके, तो आज हमने आज के लेक्चर में इंसुलेटिंग मटेरियल को कवर अप किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस इंसुलेटिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज तो आज हम लोग देख चुके हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इसके अलावा कुछ मॉडर्न इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।